नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर नेपाल के लिए निकल कर आ रही है, जो कि भेरवा हवाई अड्डा था, जिसे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, उसमें अब परीक्षण जो उड़ानें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। किस तारीख को ये उड़ानें शुरू की गई थी और इसके बीच में जो अड़चनें आई थी वो क्या रियल थी या फेक थी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये परीक्षण जो किया जा रहा है वो कितने दिन का होगा, उसके बाद इंटरनेशनल हवाई जहाजें उड़ेंगी, उसके बारे में पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भैरवा हवाई अड्डा जो कि नेपाल की एक शान कह सकते हैं, और कई बार डिले भी हुआ है इसमें हवाई परीक्षण, और पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कुछ तो ऐसा कह रहे थे जो टेक्निशियल प्रॉब्लम है उसके कारण हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी थे रिपोर्ट्स जिसके अनुसार हम ऐसे कह रहे थे कि भी अब दोबारा से ओमिक्रोन आ चुका है तब नहीं कर सकते, और कई रिपोर्ट्स जो ऐसे भी गुमराह कर रही थी कि जो यहाँ पे भारत है वो मजबूर कर रहा है नेपाल को कि ये फ्लाइट नहीं चल सकती अभी। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि इसे जो रूट मिल रहा है वो भारत से होकर जा रहा है और भारत रूट नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो चुकी हैं, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और भारत ने कोई भी रूट पर रोक टोक नहीं लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें चल रही थी। और अभी उसी रूट पर, जिस रूट के लिए ये जो हवाई अड्डा बना था उसी रूट पर चलने वाली हैं हवाई जहाज़ें, और अभी बड़े विमानों के परीक्षण उड़ान जो कि नेपाल एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में उपयोग किए जाने वाले हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं A777 विमान, या फिर भेरवा में स्थित जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर आयोजित किए जाने वाले हैं इस तरह के विमान। हवाई अड्डे को संचालन में लाने के लिए एक मिशन जो कि भेरवा हवाई अड्डे की शुरुआत की कर रहा है वो शुरू हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि एरोथाई कंपनी वाट टीम विशेषज्ञों का दल भी पहुंच चुका है, जो कि 15 जनवरी को आया था नेपाल में। वह दल 15 जनवरी से इस काम को शुरू भी कर चुका है और कंपनी की ओर से दी गई अनुमानित तारीख के मुताबिक वह दल है जो यहां पे आसपास के जो विषय उपकरण हैं उनके साथ 26 फरवरी तक पूर्ण रूप से स्थापित भी हो जाएगा। यहाँ पे आशंका उड़ान और परीक्षण उड़ान दोनों ही चलाई जाएंगी, और यह हवाई अड्डा संचालन के लिए सिर्फ पात्र है एक बार, और उसके बाद यहाँ पे इसे लॉन्च भी किया जाएगा। लेकिन इसमें तुरंत कोई भी जो विदेशी उड़ान है वो नहीं उड़ने वाली है, आशंकन उड़ान और परीक्षण उड़ान के बाद यह हवाई अड्डा संचालन के लिए जरूर हो जाएगा तैयार, लेकिन यहाँ पे तुरंत कोई भी विदेशी उड़ाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर जाने से पहले 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव के लिए कॉल करना होता है, और जो कि वो कहेंगे कि ये जो हवाई अड्डा है वो एकदम सेफ है, सेफ लैंडिंग हो रही है और सभी दृष्टि से इसे परखा जा चुका है। जैसे ही ये सिग्नेचर हो जाएंगे, जैसे ही प्रमाणित हो जाएगा भेरवा हवाई अड्डा, तो इसमें विदेशी जो हवाई जहाजें हैं वो भी उड़नी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि परीक्षण के सफल होने के बाद घरेलू उड़ाने नए रनवे के लिए जरूर जाएंगी, और उस रनवे को वापस से यहां पे कंट्रोल किया जाएगा, और उसके बाद यहां पे जैसे ही ऐसा लगता है, ऐसा ब्रीफ वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये हवाई अड्डा अब सूटेबल है एवरी कंडीशन के लिए, एवरी सिचुएशन के लिए, तो इसमें यहां पे जो विदेशी वाहन है वो भी उड़ाए जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और जो नेपाली लोग हैं वो यही यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब भैरवा जो हवाई अड्डा है वो शुरू होगा, कैसे यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जो कि यहाँ पे टेक्निकल रूप से देखा जाए तो नेपाल का ये हवाई अड्डा सबसे एडवांस टेक्निकल है। और इसके बाद अगर बात करें तो फीचर्स भी यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग फीचर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसका लुब्ध उठाने जरूर विदेशी लोग आने वाले हैं, जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये भैरवा हवाई अड्डा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोमांचक होने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि 5 स्टार
कार की भी सुविधा इस यहाँ पे हवाई अड्डे में मिलने वाली हैं, जो कि आकर्षित करना जाहिर करती हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है यहाँ पे इस हवाई अड्डे के बारे में, और नेपाल की दृष्टि से ये जो हवाई अड्डा है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो अपने विचार में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ एक लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उसका रीज़न ज़रूर बता दीजिए क्यों आप जा रहे हैं। हमारी एक बहुत बढ़िया फैमिली बन चुकी है, हम 100K के एकदम नज़दीक हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे आगे से।